तो ये साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके पहले जो 13 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। देखते हैं 14वां क्वेश्चन, गन्ने की फसल की हानि पहुंचाने वाले का कीट का नाम बताना है, तो उस कीट का नाम होता है पायरेला, ये गन्ने की फसल को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट सिर का जूं उसका जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है, तो इसका नाम जो होता है पेडिकुलस ह्यूमेनिस होता है। नेक्स्ट है मक्खी की कौन सा लार्वा एम्फीपनोस्टिक लार्वा होता है, तो ये द्वितीय स्टार लार्वा जो है एम्फीपनोस्टिक लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वूचेरिया का वाहक व द्वितीय पोषक कौन सा मच्छर है, तो क्यूलेक्स मच्छर जो है वूचेरिया का वाहक है व द्वितीय पोषक है, यह फीलपाव या एलिफेंटियसिस नामक रोग का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार किससे फैलता है, तो ये एडीज जाति के मच्छर डेंगू बुखार के वायरस फैलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कॉकरोच के मुख्य उपांग से मैक्सिलरी पोर्पिया लेवियम हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो मुख्य उपांगों में से मैक्सिलरी पोर्पिया लेवियम को हटा देने से कॉकरोच भोजन की तलाश नहीं कर पाएगा, जिससे भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडिबल्स कहाँ स्थित होते हैं, इनका कार्य क्या है, तो बताना है तो मैंडिबल्स जो होते हैं वो मुख्य उपांग है, ये सिर संपूर्ण में लगे होते हैं, ये भोजन को कुतरने तथा चबाने का कार्य करते हैं, इन पर स्वादग्राही स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच में अंड कवच का क्या महत्व है, तो अंड कवच अंडाणुओं की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में कितने जोड़ी टांगें होती हैं, तो कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का नाम बताना है, तो कोड और लेप्रोसी ये दोनों जो रोग हैं, यानी कि कोड और हैजा, ये मक्खी के द्वारा फैलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच में पेशड़ी का कार्य क्या है, तो पेशड़ी में जो है भोजन पिसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के छत्ते में सेवक मक्खियां क्या महत्व है, तो सेवक मधुमक्खियां छत्ते के कोष्ठकों की सफाई रखरखाव शिशुओं के पोषण एवं उनकी देखभाल करती हैं, ये छत्ते से दूषित वायु को बाहर निकालती हैं, ये पराग एकत्रित करके शहद बनाकर इन्हें कोष्ठों से भरती हैं। नेक्स्ट है बुक लंग्स तथा यकृतीय अंडनाल का एक एक कार्य लिखिए, तो बुकलंग्स जो होते हैं ये बिच्छू मकड़ी आदि में श्वसन जो है बुकलंग्स के द्वारा ही होता है, तो ये उनके श्वसन अंग हैं। और जो नेक्स्ट है ये है इकृतीय यानी कि हेपेटिक शीका, तो ये पाचक एंजाइम का स्त्रावण जो है इसके द्वारा होता है।